नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को बाजार समिति प्रांगण अररिया में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। खास बात यह है कि 26 में से 25 निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए, जबकि एकमात्र निवर्तमान मुखिया नुसरत जहां पति नन्हे राजा ग्राम पंचायत पथराबाड़ी से जीत दर्ज की। मतदाताओं ने इस बार करीब करीब सभी मुखिया को धूल चटा दी। सुबह से मतगणना परिणाम जानने के लिए सभी प्रत्याशियों के समर्थक परेशान थे। जैसे जैसे परिणाम घोषित होता गया, विजेता उम्मीदवारों के समर्थक खुशी जताते नजर आए, तो वहीं हारने वाले प्रत्याशियों के समर्थक मायूस होकर घर की राह पकड़ ली। मुखिया पद पर जीतने वाले मुखिया प्रत्याशियों में तारण के मुखिया पद पर शाहिद आलम, डुब्बा पंचायत से मुखिया मोइन, ताकन से सबीहा खातून पति आरफिन, सिमरिया से अख्तर, बगदाहरा से कुलसुम पति वसीमुर रहमान, पथराबाड़ी पंचायत से मुखिया नुसरत जहां पति नन्हे राजा, केसर्रा से उमेश पासवान, डबरा से रविंदर मंडल, चकई से महमूद आलम, मटियारी से कमरुज्जमा उर्फ मुन्ना, भगवानपुर से अफसर आलम, गैरकी मसूरिया पंचायत से बीबी शाहजहां पति नूर आलम, चीरा से हुसन आरा पति शाहिद आलम, कुरसैल से कासिम, भंसिया से शबाना पति इश्तियाक आलम, प्रसादपुर से एहतशाम, चौकता से सफीदा पति अब्दुलसलाम, बागनगर से अजय मंडल, चिल्हनिया से शाकरीन पिता जावेद, पछियारी पीपरा से मुजाहिद आलम, चैनपुर मसूरिया पंचायत से साजिया परवीन पति महबूब आलम मुखिया बनी। जो कि आज प्रखंड का आखिरी चरण का मतगणना है, और कितना आज कितनी चुनौती होगी आज? देखिए, चुनौती है चूँकि जोकीहाट जो इलाका है वो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और ये बड़ा मैंने प्रखंड भी है, 26 पंचायत है और 26 पंचायत का चुनाव होना है। जिला परिषद का सीट है, मुखिया का सीट है, जिला सरपंच का है, वार्ड सदस्य है, तो ये सारे लोग के समर्थक और अपने भी ये काउंटिंग में भी जुट जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी मशक्कत करना रहता है। इसके अलावा CBSE का एग्जाम है, बच्चे के स्कूल बस है, इस लोग को भी पार कराना है, तो चारों ओर प्रतिनियुक्ति की गई है और अच्छे तरीके से गुजरेगा निश्चित तौर पर। और आम जनता का भी पुलिस के साथ सहयोग रहा है, हम लोग जनता के सहयोग से जनता के लिए ही यहाँ पर ड्यूटी में हैं और निश्चित तौर पर यह शांतिपूर्ण गुजरेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। सर, क्या क्या बंदोबस्त किया गया कहाँ-कहाँ पर? 3-टायर सुरक्षा व्यवस्था है, हम लोग जो है अलसम स्कूल है उधर 0 माइल में पार्किंग किए थे, वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई और गाड़ियाँ काफ़ी रुकी थी, फिर वहाँ पर जाके क्लियर करा के रूट को डाइवर्ट किया गया, उसको भी क्लियर करा दिया गया, जिससे आम जीवन का किसी का फ्लाइट नहीं छूट जाए, किसी का परीक्षा CBSE का एग्जाम था, इस सबको ध्यान रखते हुए बस स्टैंड पर प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, जो पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है, उसके अनुरूप प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सब लोगों में एक यह भावना भी है कि अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला, इसी सिद्धांत पर सब काम कर रहे हैं। सर, अभी तक का मतगणना कैसा रहा, क्या क्या इंतजाम किया आप लोगों ने और अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जोकीहाट प्रखंड का आज मतगणना होना था, कुल 26 पंचायत थे, तो ये तो आकलन हम लोग पहले ही कर लिए थे कि वो घनी आबादी का ब्लॉक है, वहाँ से लगभग हर पंचायत से हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि 500 से 700 लोग आएंगे, लेकिन जो स्थिति बनी है यहाँ पे उसमें देखने को ये मिल रहा है कि हर पंचायत से लगभग यहाँ पे 1000-1500 की संख्या में आए हैं, जिससे कि लगभग 30,000 लोग यहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो 3-4 पार्ट में यहाँ बांट करके व्यवस्था कराया था। पहला होता है पार्किंग का व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था होता है कि हमारा रूट क्या होगा, जो शहरी आवागमन जो है वो किसी तरह ठप ना हो और आवागमन जो स्कूल की बसें हैं वो सब का परिचालन ठीक से रहे, इसके लिए हम लोगों ने जो रूट तय किया था, निर्धारित रूट तय कर दिया था, उस निर्धारित रूट के तहत ही वो आवागमन रहा, जिससे किसी को दिक्कत नहीं हुई। पार्किंग की दो अच्छी व्यवस्था वहाँ अलसम्स कॉलेज में SDPO अररिया सर के द्वारा वो निर्धारित किया था, बहुत अच्छा वो वहाँ पे व्यवस्था किया गया। उसके बाद आती है यहाँ पे काउंटिंग स्थल की सुरक्षा की, तो काउंटिंग स्थल की सुरक्षा का जो है यहाँ पे तीन लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनाया गया है, पहला मुख्य द्वार का, दूसरा सेकेंड लेयर सिक्योरिटी होता है जो अंदर है, और तीसरा होता है जो कि जहाँ पे एक्चुअल काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग हॉल का,
तो सभी जगह पे पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया। यहाँ पे मुख्य द्वार पे आप देख रहे हैं कि बल के साथ साथ बैरिकेटिंग अच्छे तरीके से की गई है ताकि हम लोग क्राउड को मैनेज कर सकें, कंट्रोल नहीं मैनेज करना था, तो क्योंकि क्राउड आएगा और यहाँ पे क्राउड जब चुनाव का रिजल्ट होता है तो बहुत उत्साहित होते हैं, उस उत्साह के क्रम में बहुत हल्ला हंगामा भी होता है, उस हल्ला हंगामा को देखते हुए हम लोग को उस हल्ला हंगामा को किस तरह चैनलाइज करना है, किस तरह मैनेज करना है, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की और फोर्स को यहाँ पे लगाया। काउंटिंग में भी जिस तरह से वहाँ पे OCR टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है तो बहुत ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे सब चीज़ों का मतलब लाइव फीड के थ्रू दिखाया जा रहा है और किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी कैंडिडेट के द्वारा नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हुई वहाँ पे मतगणना में, इस कारण से भी विधि व्यवस्था में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। और अभी देख पा रहे हैं यहाँ से कि ऑनलाइन डैशबोर्ड का सिस्टम है, उस डैशबोर्ड के सिस्टम के थ्रू ही हम लोग यहाँ से मुख्य द्वार से काउंटिंग हॉल तक को मैनेज कर पा रहे थे कि क्राउड किस समय किस पंचायत को हमको ले जाना है, किस पंचायत का अभी काउंटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो इससे काफ़ी सुविधा हुई। इसके लिए तो जिला प्रशासन को विशेष रूप से धन्यवाद है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लाया और सर्टिफिकेट का जो स्थिति देख पा रहे हैं कि अभी तक 20 पंचायत का सर्टिफिकेट बटा चुका है, बाकी 6 पंचायत का बचा है जो कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा, तो अभी तक शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से समापन। क्योंकि जोकीहाट प्रखंड माना जाता है कि बहुत हॉट प्रखंड है और यहाँ से काफ़ी भीड़ आज देखने को मिल रहा है, कैसा इंतजाम किया गया है? सबसे पहले तो हमारे जितने भी अररिया जिला के पुलिसकर्मी हैं, चौकीदार से लेकर के हमारे होमगार्ड और जिला के जो भी कर्मी हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। इस ये चुनाव विधानसभा लोकसभा से आपको भी अवगत होंगे और आपने फील्ड भी घूमा है तो ये उससे दुगना टफ है। और हम लोग अक्सर चुनाव कराते हैं तो CPMF के और CRPF BSF जो होता है और उस इसमें कोई सहयोग नहीं है, किसी भी बल का सहयोग नहीं है, आंतरिक बल से जो हमारा भीतर का बल है उसके माध्यम से जिस जो ऑलवेज परित्यक्त है सभी के नज़र में वह बल बहुत ही कमज़ोर माना जाता है। और सबसे टफ चुनाव जो पंचायत का है, जो ग्राउंड लेवल का चुनाव है जिसमें एक एक वोट के लिए संघर्ष होता है, उसका सफलतापूर्वक चुनाव कराना जिला पुलिस के लिए और अपने बलबूते से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जो भी स्टाफ हैं वो भूरी भूरी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं और हम लोगों ने शुरू से लेकर के किसी प्रकार की घटना नहीं हो, लोग सुरक्षित और मतदान भी करें और सुरक्षित चुनाव जो गणना है होकर के घर तक जाएं। ईश्वर की इस दया से यहाँ कोई घटना प्रिय घटना भी नहीं घटी है और हम लोग ये भी ऑलवेज हम लोग इस चीज़ को रिव्यू किए हैं कि कहाँ हमसे और अच्छा हो सकता है और अच्छा हो सकता है। आप देखे होंगे कि चुनाव में आने वाले लोगों को कहाँ रोकना है, कहाँ उनको व्यवस्थित करना है, तो ये सारा प्री प्लान हमारे वरीय पदाधिकारी और हम लोग सब मिल करके किए हैं, उसका ही परिणाम है कि आज कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। सर, देखा गया है कि अलग अलग बिहार के अलग अलग जगह पे अलग अलग जिलों में काफ़ी वायलेंस का सामना करना पड़ा लेकिन अररिया में आप लोगों ने कोई वायलेंस नहीं होने दिया, कैसे? नहीं, ये तो यहाँ के जनता भी धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग प्रयोग किए थे कि जिस दिन चुनाव है उस दिन हम लोग पूरी शक्ति को लगाए थे। अमूमन चुनाव के दिन सभी लोग अस्थिर हो जाते हैं लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि चुनाव के दिन जो आसपास के सभी थाना है सभी को एक एक पंचायत देकर रात में हम लोग करें, इससे वर्ग संघर्ष की संभावना कमी इसका है। और एक और है कि हम लोगों ने स्वच्छ मतदान किया, इसका भी प्रभाव है कि कहीं कोई बदनामी नहीं हुई है, हम लोग कोई किसी को मदद नहीं किया, एक संतोष की भावना थी, निष्पक्ष चुनाव का भी ये कारण हो सकता है।